हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे उन क्वेश्चन को मैं लाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लायक है। आप जो है कोई भी एग्ज़ाम, PSC प्री, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हों, चाहे हॉस्टल मॉडल के लिए तैयारी कर रहे हों, चाहे आप प्रयोगशाला की तैयारी कर रहे हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे छत्तीसगढ़ के, तो हर एग्ज़ाम के आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो सभी एग्ज़ाम को देखते हुए क्वेश्चन को तैयार किया गया है। बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए, अभी बिल्कुल जो है आप जो है तैयारी करते रहिए। जो भी वीक सब्जेक्ट, 100% सभी स्टूडेंट को पता रहता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो अपने जो वीक सब्जेक्ट है उस पर बढ़िया काम करते रहिएगा। जब तक आप जो अपने कमज़ोर सब्जेक्ट उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, मेरा सीधा बात रहता है। और 100% सभी स्टूडेंट को पता रहता है कि सिलेक्शन उनका क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है जी। बाकी आप समझदार हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। छत्तीसगढ़ के सिलेबस सभी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, आपके जो है सामवेद में, या उपरोक्त सभी में। तो छत्तीसगढ़ उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है, ऐसा करके यहाँ पे बताया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ उल्लेख जो है सभी, उपरोक्त सभी, मतलब जो है अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सभी वेद में आपका जो है देखने को मिलेगा। तो उपरोक्त सभी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि कौन से वेद में छत्तीसगढ़ उल्लेख नहीं हुआ है, तो याद रखिए ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिला है। अलग अलग काल में, जैसे रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, तो इस काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। राजधानी कुश स्थली उस समय हुआ करती थी, और उसी समय जो बस्तर को जो है धनकरण्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है जी। और जिसे महाभारत काल में देखेंगे, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जो है प्राक कौशल, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ को जो है महाभारत काल में जो है प्राक कौशल के नाम से जानते हैं, और बस्तर को कांतार, ठीक है जी। तो बस्तर को कांतार के नाम से इसको जाना जाता है। तो अलग अलग जो है अलग अलग समय में अलग अलग नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जमींदारियाँ थी? 33, 34, 36 या 14? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में कुल 33 जमींदारियाँ थी, ठीक है जी। तो उस समय जो है 33 जमींदारियाँ हुआ करती थी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचूरी राजवंश की स्थापना की गई थी, कृष्ण राज, कलिंग राज, कमल राज या कृष्णदेव? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग राज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं व्यापम PSC वगैरह में। तो छत्तीसगढ़ में कलचूरी वंश देखेंगे तो जो है इसके संस्थापक कलिंग राज है, ठीक है जी। और इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में कलचूरी वंश की जो है स्थापना जो है लगभग 1000 ईस्वी में यहाँ पर स्थापना की थी। 1000 से लेकर जो है 1741 तक यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली जो वंश कौन सी हो जाएगी, तो छत्तीसगढ़ में कलचूरी वंशियों ने छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किया है। कलिंग राज जो है इसके संस्थापक है। इसके अंतिम शासक कौन है? तो रघुनाथ सिंह, याद रखिए रघुनाथ सिंह है जो इसके अंतिम शासक हैं। और राजधानी तुमाड़, राजधानी जो है तुमाड़ राजधानी बनाई गई थी कलिंग राज ने। रतनपुर को जो है रत्नदेव प्रथम ने बनाया था। छुरी कोसगई को बहराइंद्र शाह ने यहाँ पर बनाया था। इनकी कुल देवी की पूछा जाता है गजलक्ष्मी, याद रखिए गजलक्ष्मी जो इनकी जो है कुल देवी है। राजकीय भाषा संस्कृत हुआ करती है। प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र है। मराठाधीन प्रथम जो कलचूरी शासक रघुनाथ सिंह हैं। मराठाधीन जो अंतिम कलचूरी शासक मोहन सिंह हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके उठ के आए हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? कोरिया, जसपुर, शक्ति या सरगुजा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत जो है शक्ति हुआ करती थी। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी हुआ करती थी, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कई बार मेरे सेशन में जो है बताया हूँ, तो छोटी रियासत शक्ति है, तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो है बताना है, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद
जिलों का प्रथम विभाजन हुआ था सन 2008 में, सन 2007 में, सन 2011 में, 2012 में। तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिलों का जो प्रथम विभाजन हुआ था आपके सन 2007 में जो इसका जो है प्रथम विभाजन हुआ था, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है रामायण काल है, ठीक है जी, रामायण काल है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था उत्तर कौशल, कौशल, दक्षिण कौशल या झारखंड। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था जी, इसको जो है दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। उस समय रामायण काल में राजधानी क्या हुआ करती थी, तो कुश स्थली, ठीक है जी, कुश स्थली। तो कुश स्थली जो है रामायण काल में जो है राजधानी हुआ करती थी। बस्तर को दंडकारण के नाम से जाना था। रामायण काल में देखेंगे तो दक्षिण कौशल के जो राजा भानुमन थे, जिनकी पुत्री कौन थी, भगवान राम के जो माता थे कौशल्या का विवाह हुआ था, और उत्तर कौशल के राजा दशरथ उनके पिताजी थे राम भगवान के, और भानुमन उनके जो है ससुर हुआ करते थे, मतलब भगवान राम के जो पिताजी की बात कर रहा हूँ मैं, तो भानुमन जो उनके जो है पिता हुआ करते थे, उनके जो पुत्र वगैरह नहीं होते, मतलब नहीं थे, इसीलिए जी जितना भी राज सिंहासन वगैरह है उनको जो है सौंप दी गई थी, ठीक है। फिर दशरथ जी को ये राजपाट उनको दे दी गई थी। इसी समय जो है दक्षिण कौशल की भाषा जो है कौशली थी। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा भी कौशली है। ये आपके पीएससी प्रीम भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एसीए व्यापम वगैरह में आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है जी, इसलिए इसे अब पूरा डिटेल के साथ बताना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य में प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का जो प्रयोग किसने किया था, लक्ष्मी निधि राव ने, दलपत राम ने, रेवा राम ने या गोपाल मिश्र जी ने। तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपका जो है दलपत राम राव ने यहाँ पे किया था, ठीक है जी। तो साहित्य में जो है एक साहित्यकार थे दलपत राव, इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ शब्द का जो प्रथम यहाँ पे जो है प्रयोग इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में स्थिति में छत्तीसगढ़ की कितनी रियायतें थी, 14, 33, 36 या 13। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। तो 1947 में छत्तीसगढ़ की लगभग कितनी रियायतें थी, तो 33 रियायतें थी, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम बार जो है कब आए हुए थे, 20 दिसंबर 1933 को, 20 दिसंबर 1920 को, 12 मार्च 1933 को या 12 मार्च 1920 में। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आया हुआ, ठीक है, व्यापम में, पीएससी में, मेंस में, प्री में, मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है जी। तो आपका जो स्टार लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, डबल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। तो महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ जो है प्रथम बार 20 दिसंबर 1920 को आई होती है। डेटा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अच्छा, गांधी जी जो है छत्तीसगढ़ प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। इनके साथ सहयोगी ग्रुप में कौन कौन थे, मौलाना शौकत अली इनके साथ यहाँ पे रायपुर आए हुए थे। फिर अगले दिन 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुँचे, वहाँ पे एक जनसभा को इन्होंने संबोधित किया महात्मा गांधी जी ने। और फिर जो है एक खास करके रायपुर आने के पीछे इनके जो उद्देश्य था, कंडेल नहर सत्याग्रह जो है धमतरी में भाग लेने के लिए आए थे। फिर जो है गांधी जी के आगमन के पहले जो है अंग्रेज़ों ने एक तरह का जो धमतरी में कर लगाया जा रहा था, ये जो है वापस ले लिए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है जी। तो ये डेट याद रखिए, इनके साथ कौन थे, मौलाना शौकत अली यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है जी। दूसरी बार भी हुआ था, गांधी जी दूसरी बार कब आए थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे बताऊँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह के नायक थे हनुमान सिंह, वीर गुंडाधुर, गेंद सिंह या अर्जुन सिंह। तो छत्तीसगढ़ में जो है भूमकाल के विद्रोह के नायक कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वीर गुंडाधुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो भूमकाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये फरवरी 1910 में ये विद्रोह हुआ था। नेतृत्व करता गुंडाधुर जो नेता नेर के जमींदार थे, तो गुंडाधुर को कहा जाता है। इसके यहाँ के जो दीवान थे बैजनाथ पांडा, कौन से उद्देश्य से यहाँ पे जो भूमकाल विद्रोह हुआ था, तो स्थानीय जनता के यहाँ पे जो उपेक्षा, उनका शोषण, वनों का उपयोग और शराब बनाने का जो है प्रतिबंध का जो है विरोध के कारण यहाँ पे जो है भूमकाल विद्रोह हुआ था, ठीक है जी। और इसके जो दमनकर्ता कौन है, तो कैप्टन जोगियारी इसके दमनकर्ता हैं। और विद्रोही अंग्रेजों के मध्य अलवर में जो है विद्रोह हुआ था,
और ये जो खास करके यहाँ पे जो रानी स्वर्ण कुंवर दीवान लाल कालेंद्र ने जो है इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर के जो है हाथों में सौंपा था। मिस की यहाँ के नेतृत्व करता ये जो ये यही है गुंडाधुर, ठीक है जी। दीवान यहाँ के बैजनाथ पांडा थे। अगला क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रत्नदेव, रत्नदेव का शासनकाल रहा था या रत्नदेव प्रथम का जो है शासनकाल कब से कब तक था? 1045 से 1065 तक, 1040 से 1065 तक, 1025 से 1064 तक, 1025 से 1055 तक। तो यहाँ पे जो है रत्नदेव प्रथम का शासनकाल है, तो ये जो है 1045 से लेकर 1065 तक इनका जो शासनकाल रहा था। इन्होंने रत्नपुर लगभग 1050 ईस्वी, ठीक है जी, इन्होंने रत्नपुर 1050 ईस्वी में रत्नपुर जो रत्नपुर के नगर के जो स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है जी। एक बार मेंस में 2011 पेपर में आया हुआ, लाइब्रेरियन में व्यापम में आया हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रत्नपुर की जो है स्थापना किसने की थी। तो 1050 ईस्वी में जो है रत्नदेव ने रत्नपुर नगर की स्थापना की थी। इन्होंने तुम्हाड़ के स्थान पर रत्नपुर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तुम्हाड़ राजधानी से कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया, ठीक है जी। और इन्होंने यहाँ पे जो है महामाया मंदिर रत्नपुर में लगभग 11वीं शताब्दी में इन्होंने निर्माण करवाया था। साथ ही साथ जो महिषासुर मंदिरनी है, महिषासुर जो मर्दनी है कहाँ पे है, लाफागढ़ में, ये इन्होंने बनवाया था, ठीक है जी। और इन्होंने लगभग अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। 1055 ईस्वी में सोमवंशी शासक उद्योग के श्री महागुप्त जो महाभौत गुप्त जो चतुर्थ को यहाँ पे पराजित कर सिरपुर क्षेत्र को कलचूरी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था, ठीक है जी। और जो है रतनपुर को तालाबों को नगरी से टैंक ऑफ सिटी के रूप में जो है प्रसिद्ध किया। रत्नदेव के शासनकाल में रतनपुर को जो है उस समय जो है कुबेरपुर के संज्ञा यहाँ पे दी गई है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचूरियों की प्रमुख मुद्रा थी कौड़ी, मन, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है कलचूरियों की जो है प्रमुख मुद्रा कौन थी बोल रही है, मतलब इसका आंसर कौन सा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो कलचूरियों के प्रमुख मुद्रा कौड़ी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में परलकोट का विद्रोह के किसके शासनकाल में हुआ था, या परलकोट विद्रोह का किसके शासनकाल में हुआ था? भोपाल देव, महिपाल देव, अजमेर सिंह या रुद्र प्रताप देव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महिपाल देव के जो है शासनकाल में परलकोट विद्रोह हुआ था। ये जितने भी विद्रोह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 1824 से 1825, ठीक है जी। तो इसमें जो परलकोट विद्रोह हुआ था महिपाल देव, ठीक है जी, महिपाल देव इसके शासक थे। नेतृत्वकर्ता गेंसी थे, ठीक है जी, परलकोट के जमींदार हुआ करते थे। और इन्होंने जो है भूमिया करके पदवी इन्होंने धारण की थी। अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करते हैं, तो जो है अबुझमाड़ के जो यहाँ पे जो है कि खास करके अबुझमाड़ियों को जहाँ पे शोषण मुक्त करने के लिए यहाँ पे जो इस उद्देश्य से यहाँ पे परलकोट विद्रोह हुआ था, ठीक है जी। और इसमें जो है गेंसी को जो है बस्तर के प्रथम शहीद कहा गया और एगेन्यू चांदा के सैनिकों के सहयोग से गेंसी को जो है जो गिरफ्तार इनके द्वारा की गई थी। इसी में जो गेंसी को जो है 20 जनवरी 1825 को यहाँ पे जो है फांसी दे दी गई थी, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेनसांग जो है सिरपुर का आने का क्या कारण था? उद्योग की स्थापना, बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करना था, या धार्मिक प्रचार करना है, या व्यापार विस्तार करना था। इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेनसांग जो है सिरपुर, साथ ही साथ जो है मल्हार आए हुए थे, तो सिरपुर में जो है आए हुए थे और ये जो है एक तरह का बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ आए थे, ठीक है जी। तो वेनसांग जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरपुर आने का ये इसका यही मुद्दे से बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा था? 8, 4, 10 या 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। तो मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को 8 सूबों में बांटा था, ठीक है जी। राजधानी उस समय जो है रत्नपुर हुआ करती थी। सूत्रधार इसके जो है बिंकोजी खोसले थे और समाप्ता जेनकिंस ने की थी। सूबेदार शासक नहीं होते थे, ये जो मराठों के अधीन अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है जी। और इस शासन पद्धति के जो है अंतर्गत प्रदेश में जो है अनेक सूबेदारों की नियुक्ति की गई, जिसका वर्णन यहाँ पे
मैं कई बार बता दिया हूँ किया गया था, जिसमें महिपत राव दिनकर ये छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे, फिर विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बिंकोजी पिंडरी, भिकाजी गोपाल, और भिकाजी गोपाल के बाद सखाराम जो है, सीताराम टाटिया, यादव राव दिवाकर। तो यादव राव दिवाकर जो है छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार हैं। ठीक है जी, 1818 तक छत्तीसगढ़ पिंडारियों का अंत हो गया था। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसे लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। मिलते हैं अगले पाठ में, और बढ़िया तरीके से आप लोग को जो है होली की जो है शुभकामनाएँ, और बढ़िया सेलिब्रेशन कीजिए होली आज। फिर कल से अपने जो है जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी की उस पर बढ़िया तरीके से फोकस करते रहिए। अभी आपका जो है चुनाव है, तो अभी भरपूर समय है, जितना हो सके रिवाइज करते रहिएगा। मतलब वीकली कम से कम सैटरडे और आपका जो संडे है, इसमें जो रिवाइज का टाइम निकालिएगा। जितना हो सके, जितना पढ़े उसको जो है 2-3 बढ़िया रिवाइज कीजिए। आप रिवाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है रिवाइज नहीं करते हैं, इसलिए आप एग्ज़ाम में जाते हैं भूल जाते हैं। तो रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वीक सब्जेक्ट है उस पर काम करते रहिएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।